कर ले रहा है इनबॉक्स। कितनी बाइक चोरी करी है अभी? दो। दो बाइक जी हाँ। और कहाँ वो आगे भेजे थे अपडेट में? एक बाइक लेके गया था, दूसरा पकड़ा गया हमारे से भाई। दूसरा कौन था? दूसरा ये भाई खड़ा है। मुश्ताक अहमद जी, मोटरसाइकिल चोरी किया जी। पाँच मंशा तकरीबन कोई ढाई किलो के लगभग मंशा है, और वेपन है वो भी रात को हमने वो भी इनसे रिकवर कर लिया। उन्होंने जो अभी ये गाड़ी जो डैम पे किसी को दिए, तो उसके पास भी आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वही मैंने आपको बताया कि ये तो हमने पकड़ा, जो उनसे रिकवरी हुई है मजीद, अभी जो ये तो जो बता रहे हैं जो उन्होंने गाड़ी निकाली है और दी है आगे जहाँ पे भी, वो सारी गाड़ी हम रिकवर करेंगे और वो बंदे भी इंशाल्लाह हम गिरफ्तार करेंगे। जिन लोगों ने वो बाइकें ली हैं उनके कोई कार्रवाई? बिल्कुल होगी, बिल्कुल। उधर वो इधर हमारे केसों में उनका नाम भी होगा, फिर हम वहाँ पे उनके घरों पे रेड करेंगे, जहाँ पे उनके जो ठिकाने हैं वहाँ पे भी रेड कार्रवाई डालेंगे। पहले तो कब बंद हुआ था? पहले सर 2011 में। 2011 में कौन सा थाने में? गडाप सिटी से। गडाप सिटी से किस चक्कर में? ये सर बाइक के चक्कर में उसे उधर से जी हाँ उठा था उधर से। और नहीं है सर। और तुम अपना मुस्ताक? सर LCLC में। LCLC में कौन से थाने से बंद हुआ था? सर लियाकत आबाद वाला। लियाकत आबाद से कौन से साल में? सर ये 18 में। 2018 में ही? जी। अच्छा तो कितनी बाइक अब तक ले जा चुके हो? सर अभी ये दो किया था, बंद हुआ था, अभी ईद को निकल गया था। अमीर बस ले भी जाता है? और आगे कहाँ भेजता है? वो सर क्रॉस पर भेजता है। वो क्रॉस करवाता है? जी। कौन से रास्ते से? सर अप डैम से। अप डैम से? जी। बेच के आता है। बेच के आके पैसे देता है? तो मैं तो उसकी गाड़ी उसके लिए क्या रखते हो? जी। अरे ये 2 किलो 2.5 किलो तो चरस है जी। कौन बेचता है? तुम बेचते हो? जी। ये सर? सर बस लाते हैं। मतलब किस तरह देते हैं? पीस करते हैं या ऐसे ही 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो? पीस पीस। अच्छा पूरा पैकेट के हिसाब से देते हैं, फिर वो जो यहाँ जिसको डीलर को देते हैं ना वो फिर पीसेस के हिसाब से करके और लोकल मार्केट जिसको आप बोलें उसमें वो बना के और छोटे पैकेट बना के वो भेजते हैं। अभी बंदे तो हमने पकड़े हैं कहाँ के क्या ये तो पकड़े, मगर ये पता नहीं कि कौन से हैं इसमें से, क्योंकि क्राइम करने वाले तो बहुत हैं ना, तो हमने वहाँ तक पहुँचना है जो असल जो ये डीलर हैं जो काम करने वाले हैं जो यहाँ पे सारा डिस्टर्ब किया हुआ है। आगे बढ़ने की पूरी कोशिश है इनकी कि आगे इनके शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहे अभी? मामला तो कुछ भी नहीं, हमें किसी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। तो मामला ये है कि वो बंदे मिस हो सकते हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं, वो स्लिप हो सकते हैं, मतलब वक्ती तौर पर वो आगे पीछे होंगे तो हमारे जो कार्रवाई है हम जो कार करेंगे जाएंगे वो उसमें कोई हमें कोई अच्छा प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई कामयाबी नहीं होगी। ये हमने पहले ग्रुप पकड़ा, अभी ये दूसरा ग्रुप पकड़ लिया, मजीद जो चैन मिली हमें उस तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ हमारे इलाके नहीं मगर पूरी कराची या पूरा हमारे इलाके में मोटरसाइकिल की चोरी वगैरह बहुत है यहाँ पे, उसने समझ में चोरी बहुत है यहाँ पे। उस वाले से कुछ दिन पहले भी हमने एक ग्रुप पकड़ा था, एक कुलदार का है और दूसरा हब का है, हब डैम का, यहाँ से चोरी की और फट से निकल जाते हैं। ये मुख्तलिफ चोर रास्ते बने हुए हैं हब डैम क्रॉस करके और फिर आगे साकरान हब डैम और मुख्तलिफ जगहों पर इनके जो ना वहाँ ख़रीदार हैं वो मुस्लिम के, वहाँ पे ये 8,000-7,000 जैसी गाड़ी होती है वैसे वो कीमत में वो गाड़ी बेच देते हैं। हमारे जो हदूद है वहाँ पे तो चौकियाँ बनी हुई हैं काफ़ी, मगर ये कि रास्ते इतने बने हुए हैं बीच के, चोर रास्ते इतने उन्होंने बना दिए हैं कि हम मेन जो पॉइंट हैं जो सेंसिटिव हैं जहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं वहाँ तो हमारी चौकियाँ भी हैं, वो वर्किंग में भी हैं, काम भी कर रही हैं, मगर वो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल तो आपको ऐसी जगह पे मतलब जहाँ से बंदा पैदल जा सकता है तो वहाँ से मोटरसाइकिल भी जा सकती है। खुद इन्होंने इंट्रोगेशन में बताया कि हम जो ना आते हैं और यहाँ से कार्रवाई करके फिर साकरान और हब में और मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे हब डैम की तरफ वहाँ पे होटलों पे उनके ख़रीदार बैठे होते हैं, डीलर बैठे होते हैं, उनको वो भेज देते हैं। तो वो नहीं डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे तो वो बेचती चोरी गाड़ी करके ना, और उनको भी चोरी कर उधर तो जो ना ये गाड़ी बिक जाती है आराम से और वहाँ लेने वाले बहुत हैं वहाँ पे जो ना, तो वो एक सभी दो तो मिल गई हमें, एक हमारे थाने की है, गुलशन की है, ये तो मिल गई है, मज़ीद जो है ना
इंट्रोगेशन करके और भी कार्रवाई हम उनसे इंशाल्लाह वो भी गाड़ियाँ रिकवर करवाएंगे।